कलेक्टर साहब के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए भी उन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया। कलेक्टर दिन गए हुए कोई सुनवाई नहीं हुई अभी और भी मैं भूखी सकता हूँ हटा दिया क्या तो कोई कमा पड़ो मरो अने गैल छूट सी क्योंकि तीन तीन पीढ़िया बीत जाए कोई संविधान कोई तरीको ही नहीं है। क्या मैंने उड़ा तनता नहीं मिली है भयंकर गर्मी पड़ी जी निकले हर आदमी मेरे मेरा नाम शफीक है जलको सिकर में थोड़ा बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। सिकर का लोगा की समस्या सुनवा के लिए आज के एक जन सुनवाई को प्रोग्राम रखे हुआ है कि ये जो भवन है इसके अंदर जता लोग सिकर का आपरी समस्या लेर कलेक्टर साहब कन इजा आर आपरो दुख जी को बता सके आपरी समस्या जी की बता सके। बाकी सुनवाई करवा के लिए आज कलेक्टर साहब अंदर बैठे हैं। कोशिश आ कर सिया के जो लोग आए वो भी आप बातचीत करा के भाई के समस्या ले रहे हैं और बाकी ना कहीं आश्वासन मिले और के बात जगी बाकी अंदर जा कलेक्टर साहब से हुई है। कलेक्टर दिन गए हुए हैं कोई सुनवाई नहीं हुई अभी। क्या बोले मायने यार चर्चा कोई सुनवाई नहीं हुई यार। क्या समस्या लेकर आए होते ये मैं होप में भूखी सकता हूँ हाँ हटा दिया। क्यों हटा दिए क्यों हटा दिया मन मर्जी सकता है घर की जा थारो नहीं बड़ी जी गया थोड़े बिचरा ले तो ते अकेले कमा पा रहोगे। हाँ मैं अकेले कमा पा रहा हूँ कोई सुनवाई नहीं सकता है साहब। अब तेज कितनी बजे आया इधर मैं आयो जल्दी जल्दी आयो कोई सुनवाई नहीं हुई यार नहीं अंदर जा रहा क्या के दे ना तुम जी हाल चाल छो तो थे आई जा रजिस्ट्रेशन करवा दिया के हो थे यार यो थारो नाम पुकारे हुए कौन गयो आज पहली भी जायो क्या बात है कोई सुनवाई नहीं हुई पहली और कलेक्टर साहब कल जा रहा है हां हां ये बात हुई ए यहां उसी यहां है टच्चा कोई सुनवाई नहीं होती के काम करो ए ब्लड बैंक में हां हां के काम करो तो ब्लड बैंक ए जो जांच वगैरह हां हां अचानक थाने पहले बता रहा टाइम हो या फिर अचानक ही नहीं हटा दिया ये हटा दिया बिना नोटिस बिना हटा दिया तो टाइम हो गया टाइम ने मैंने ये कहीं ना चाहिए साहब कोई सुनाई नहीं मंडे आदमी भी जाए मंडे भी सुनाई नहीं देता है मंत्रीगण भी जा रहा है हाँ हाँ विधायकगण भी हाँ 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 जाए वो कोई सुनाई नहीं देता है कोई कौन बोलिया हाँ राम जी सांसद भी जाए हाँ बाजे में जाए वो बभी यार मेरा तो छोटा नहीं है यहाँ क्या हाँ मेरा नाम गौरी शंकर अग्रवाल है ग्राम पंचायत आबावास से हूँ मैं। आम रास्ते की जमीन पर एक अतिक्रमण का मामला है पिछले 3 साल से मैं उसके लिए लड़ाई लड़ा हूँ। उस समय अविचल चतुर्वेदी कलेक्टर साहब ने वीडियो खंडेला के मौके भेज के उसको अतिक्रमण चिन्हित करवाया था। फिर 2 साल तक सरपंच की ट्यूनिंग की सत्ता पक्ष की सरकार थी इसलिए अतिक्रमण पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी और जो अतिक्रमी था वो न्यायालय में जाके स्टे लेने की कोशिश करी स्टे उसको नहीं मिला लेकिन सिर्फ न्यायालय में विचाराधीन है ये बोल के अतिक्रमण को संरक्षण दिया जा रहा। मार्च में कलेक्टर साहब से पहली बार मिला मैं उन्होंने फर्स्ट देखते ही बोला अतिक्रमण ने उन्होंने चिन्हित करके वीडियो खंडेला को आदेश दिया अतिक्रमण हटाने का। उसके बावजूद वीडियो खंडेला की इतनी हठधर्मिता कलेक्टर साहब के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए भी उन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया। पिछली सुनवाई जून के अंदर में वीडियो कलेक्टर साहब ने वीडियो खंडेला को आदेश दिया। रात्रि चौपाल में मौखिक फेस टू फेस वीडियो खंडेला कलेक्टर सिकर की बातचीत हुई उसके बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया। आज फिर मैं अभी आया हूँ कलेक्टर साहब से मिला कलेक्टर साहब ने अभी जो चार्ज है जिनके पास में उनसे बातचीत करी और मुझे कहा बोले आप बैठो और आपका ये अतिक्रमण इसको हटाया जाएगा और आपका काम संतोषजनक होगा। सुनवाई हुई है और कलेक्टर साहब के ऊपर पूरा मुझे विश्वास है कि जो 3 साल की जो लड़ाई लड़ा रहा था अब लगता है कि वो मेरा समाप्ति की ओर है मुझे न्याय मिलेगा। आज जो मीटिंग मान लियो या फिर एक जन सुनवाई को कार्यक्रम मान लियो एक फायदा हो जाएगा जनता ने हो रहा है। हाँ इस समय जो वर्तमान कलेक्टर चौधरी साहब है बिल्कुल बहुत गंभीरता पूर्वक परिवादियों की परिवाद को सुनते हैं और जो भी न्याय संगत उसका जो समाधान है उस समाधान को निकालने का प्रयास करते हैं ये चीज मैं पर बिल्कुल मानता हूँ। साहब क्या समस्या ले रहा है हो जा ये रास्ते के लिए क्या है किसा को है दुर्गापुरा पिपराली के मामलो पूरा मामला है मतलब 2-3-4 वर्ष हो गए फिरते रावे के थे के मामलो तो के 3-4 वर्ष रास्ता को नहीं खुल रहा है रास्ता खुलवा पचा रहे हैं कोई कब्जो कर रखी होगी कब्जो कर यार अगले जिले पे रास्ता बंद कर रखा है उस जगह जगह है पे रास्ता बंद कर तो पछाड़ जी नमस्कार जी ठीक की जसो आयो जादूत से आया ठीक के समस्या ले रहे हो मैं समस्या ले रहा है गांव की सरकारी कर्मचारी है जगह सिंचित जमीन पर बस्ती बसेड़ी है लेकिन बिना बस्ती इसने सिंचित दिखा है और मुआवजा उठा रहे हैं। अच्छा एक बात जो गांव की धर्मशाला है बिने नाव पर ट्रांसफर पट्टो बना दियो अनलीगल जी कन खारिज कर चुका लेकिन वे खाली करने के लिए तैयार नहीं है केस चल रहा है लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। ठीक है नाम पर कर दिया पट्टा ये पूरा तफसील डिटेल बताओ एक बार जो सरपंच है वो प्रतिनिधि कर रहा है कि भैया अली मोहम्मद करके राशन ये वहाँ पर चला रहा था और वो राशन पे चलाते चलाते उसने पट्टा बना लिया और पट्टा बनाने के बाद गाँव वालों को जब हम लोगों को पता लगा ना हमने ऑब्जेक्शन किया ऑब्जेक्शन करने के बाद में गांव पूरा हुआ लेकिन उसमें
खारिज हो गया, समिति आ गई, तीन तीन चार चार सब हो गया, लेकिन उसने ताला लगा के रखा है और उल्टे सीधे अंदर केस करके रखा है आपस में, ताकि वो चलता रहे। अंदर जा रहा है, अंदर जा रहे हैं हम, बातचीत हो रही है, बोले जांच चल रही है। मतलब जैसी काम करो लागे तो कोनी, ये सरकार का जो सिस्टम है, संविधान का जो सिस्टम है, उसमें लगता है कि जलेबी बने घूमते रहो, कुछ होना जाना नहीं है, कुछ नहीं है। तो फेरी आस लगा क्या है, आस लगा तो और ऑप्शन ही नहीं है, आनू भी पड़े, मजबूरी है, लेकिन लाग रहे हो नहीं, लाग रहे को नहीं, क्योंकि भुगत भोगी कर चुके, फिर नहीं हो जाना, नहीं हो जाना है ना तरीका, कह तो कोई कमा पड़ मरो है नहीं गैल छूट सी, क्योंकि तीन तीन पीढ़ियां बीत जाए, कोई संविधान कोई तरीको ही नहीं है। नहीं, गाँव के काफी कुछ लोग है और बोलने के लिए नहीं, हम लोग कम से कम 20 जने आए हैं, यहाँ पर दो जने अंदर आए, बाकी काफी कुछ लोग हैं। साहब मैं हो भी आ जाए 50 साल जी, कोई सुनाई नहीं देता है, मनमती समझिए आवाज है, सो विद्वान है, सोने में जा दिया दियो, सुनाई नहीं होती है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। हाँ, कारण भी कौन बताए जा रहे हो कि ताना टाया क्यों है? हाँ, टाया नहीं बताया, मनमती जाए छुट्टी मान दियो, अब रिजेक्शन दे दियो, वो भी डावली पीएमओ फाइबर है, लेकिन ऑफिसर पीएमओ है, वो अभी जो रिटायरमेंट है वो भी दोनों जो है वो टले का दोनों जो है टले का फिर टले या बोले क्यों दूं क्यों वो बोले दोनों जो है वो टले था वो टले है क्यों दूं या टले दोनों जो है टले टले। अब कितना दिन होगा धान चक्कर काटता? ए मैंने उधर साहब हाँ कोई सुन नहीं सकता है, हर जगह कोई दूसरा लगा भी लिया? हाँ, दूसरा ने लगा लिया, चार ने लगा लिया साहब, बोले मुझे फोन दिया ने जहाँ बाकी सुनाई चली है, बनाई से बादू सर जाने वाला कटानी रास्ता है, गवर्नमेंट का बहुत पुराना और उसमें अतिक्रमण कर रखा है, मतलब जो खातेदार हैं खेत वालों ने, तो सर उसमें क्या किया कि टीम गठित करके पटवारी से नपा लिया, तीन पर पटवारियों की रिपोर्ट कलेक्टर साहब को दो पर हम यहाँ आ गए, कलेक्टर साहब को टीम गठित कर करके आठ आठ के डॉल पर तहसीलदार ने नपवा दिया, उस अतिक्रमण को आज तक नहीं हटाया है। अब तहसीलदार ने यहाँ पहले रिपोर्ट भेजी, वो दो साल से 91 की उनके खिलाफ में कार्रवाई चल रही है, बोले 15 दिन में हटा देंगे, लेकिन फिर भी 15 दिन में आज तक नहीं हटाया। अब गांव में से साला सरोड लक्ष्मणगढ़ 2 किलोमीटर बच्ची बच्चा जो कॉलेज में जाते हैं वो पैदल जाते हैं, सिर्फ दो खातेदारों ने अतिक्रमण कर रखा और पूरा रास्ता खुला है, डामर की रोड भी वहां पे बंद है, सीवरेज के नाले वो भी वहां पे खुले पड़े हैं, दो साल से हम चक्कर काट रहे हैं लक्ष्मणगढ़ से। एसडीएम साहब को ज्ञापन दे दिया, ग्रामवासियों ने बहुत यहाँ आके दे दिया, तीन पर टीम गठित करके नाप करवा लिया, ये तो कटानी रास्ता गवर्नमेंट का कसरा नंबर 22 का रास्ता है, उसका आज तक सर कोई समाधान नहीं हो रहा। अंदर जा रहा है, अंदर जा रहे हैं ये बात। अब अंदर कलेक्टर साहब तहसीलदार जी बात करी, जना बोले थे मना कही 15 दिन में हटा देशा, यहाँ क्या हटा देशा, फिर भी तहसीलदार जी लिखित में दे दियोगे 15 दिन में हटा देशा, क्योंकि तीनों रिपोर्ट दे दी जमान है, तीन पर टीम गठित कर करके गिरदावल नायब तहसीलदार और पांच पांच से पंचायतों के पटवारियों ने फीता चला करके, लेकिन वो प्रभावशाली पार्टी है और वो उन्हें अतिक्रमण कर रखा है, मेन बात वो है। अब केला गया उसी के कारण। अब सर अब देखो मैं तो आश्वासन तो दिए बात करिए हटा देशा, अपन मन तो यहाँ उम्मीद यहाँ लग है कलेक्टर साहब स्वयं बोले हैं कि हाँ हटा दे, तो कलेक्टर साहब वो तो बड्डोपूर्ण जिले का राजा हो है बस, अब आपको विश्वास जरूर है, अब आज खुद फोन पर बात करिए कि त्या कहीं 15 दिन में हटा देशा, जब दूसरे प्रकरण सामने फोन लगा के मेरे सामने फोन लगा के कलेक्टर साहब के आपने 15 दिन का नाम लिया था हटा देंगे, वो आज तक नहीं हटाया ना, बोले मेरे पास भेज दो। अब भी कोई समस्या ले रहा है? मेरा नाम रामोतार सैनी है, मैं सीकर ऑटो रिक्शा यूनियन का अध्यक्ष हूँ, मैं बस डिपो के बाहर मुख्य सड़क मार्ग पर एक अतिक्रमण है, जिसका कलेक्टर का आदेश है, कमिश्नर का आदेश है, एसपी का आदेश है, लगातार 4 साल से यहाँ का कमिश्नर कलेक्टर को सबको गुमराह कर रहा है। आज भी मैं जाके आया हूँ तो कलेक्टर को यह कह रहा है कि वो जगह जनउपयोग में काम आ रही है, जबकि वो जगह जनउपयोग में नहीं आ रही है। मैंने कलेक्टर साहब को ये बोला है कि श्रीमान जी एक बार आप समय उस जगह को जाके देखो, अगर जनउपयोग में काम आ रही है तो हम उसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, अगर जनउपयोग में काम नहीं आ रही है तो आप उनको हटाओ,
कमिश्नर साहब मायने बैठे हैं, अंदर बैठे हैं सर, सामने बातचीत हुई। हाँ सामने बातचीत, लेकिन वो कलेक्टर साहब को गुमराह कर रहा है अभी भी गुमराह। उनके सभी को मेरे पास आदेश है, बाकायदा आदेश है, सारा काम रेडी है, मतलब बिल्कुल रेडी है। लेकिन पुलिस टाइम पे लगा आदेश है, दो साल पहले का आदेश हुए हैं, लगातार जनसभा में आ रहा हूँ, लेकिन यहाँ आते ही कलेक्टर साहब को यहाँ का कमिश्नर है ना, वो गुमराह करता है। और अब की बातचीत हुई, अब यही बात हुई है कि वो मैं देखूंगा, वो जन उपयोग में काम आ रही है, वो किसी को अड़चन नहीं दे रही है, बाजार देखभाल की बात। हाँ लेकिन कलेक्टर साहब, मुझे विश्वास है कि कलेक्टर साहब नहीं जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि ये लोग वो सीटू के आदमी है ना, वो बैठते हैं वहाँ पे, तो इसलिए ये लोग पंगा नहीं लेना चाहते। कितनी बड़ी जगह है? 15x25 मुख्य सड़क मार्ग पर है। इसके विरोध में मेरे खुद के SC ST के 5 मुकदमे, यहाँ जो बैठने वाले एसवाजी तत्व है ना, 5 मुकदमे SC ST के और राजकार्य के मुकदमे मेरे पे दर्ज करवाया है, जो मैं जमानत में चल रहा हूँ। हाँ मैं खुद जमानत में चल रहा हूँ, जबकि मुझे उससे क्या लेना देना है, लेकिन कोई फायदा है, मेरा कोई फायदा नहीं है। मैं जनता के लिए आ रहा हूँ कि वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे आते हैं तो उनको जैसे स्कूल में जाते हैं 250-250 रुपए लेते हैं, जबकि एक ऑटो चालक वहाँ जाने का 20 रुपए लेता है, वो लोग वहां तक तेबरे बैठते हैं, वो 250-250 रुपए लेते हैं। एक आदमी कौन बैठे तक तेबर ऐसा जी ओटावा बैठे हैं, लेकिन वो सीटू पार्टी से जुड़े हुए हैं और उन्हें झंडा लगा रखा है, वहाँ पे बैठे बैठे वसूली करते हैं। वहाँ पे ऑटो पार्ट्स की दुकान चलाता है वो, 30-35 साल से वहां से वसूली करता है टेम्पो चालकों से। तो जगन वसूली कर रहे, कद आवाज नहीं उठाई है, क्यों कराऊंगा, आपकी ध्यान ही कर रहे हैं, मतलब है। अच्छा जो बैठे हैं टेम्पो करना, टेम्पो वाला हिमा से वसूली कर रहे हैं, 50-60 टेम्पो है, आपको परिवार को एक कुछ बना रखे, कोई साड़ो कोई मामो भतीजो जो भी है, बाकी और 4000 ऑटो चालक ही मैं सवारी को लेस के बैठे हूँ। और ऐसे नहीं, 7 जगह और है जिसकी मैंने कलेक्टर साहब को भी दी, अभी धरना प्रदर्शन में भी मैंने आवाज उठाई थी। मेरे पास सीकर ऑटो रिक्शा चालक यूनियन का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन है, अमेरिकन रजिस्ट्रेशन लेबर कोड डिपार्टमेंट द्वारा मेरे पास, मैं उनके पक्ष में हूँ, मैं उनके पक्ष में हूँ, क्योंकि वो वास्तव में वो लोग जगह जगह बैठे हैं ना, जैसे 8-10 जगह पॉइंटो बैठे हैं, वो उन्हीं की पार्टी के आदमी बैठे हैं, वो लोगों से वसूली लेते हैं, उनको वहां से सवारी बैठाने देते हैं, न तो सिटी बस को बैठाने देते हैं और न बाजार में चलने वाले ऑटो चालकों को बैठाने देते हैं, उनके साथ मारपीट के। मैं तो सिटी बस के साथ में हूँ, ऑटो चालक का अध्यक्ष हूँ, लेकिन मैं उनके साथ में हूँ। सही बैठे हैं ये, बस सही बैठे हैं यहाँ के अधिकारी, जन सुना जिला कलेक्टर महोदय जी सुनते हैं वो, ऐसी बात नहीं, लेकिन कहाँ वो आगे जाके लेकिन नीचे पंचायत लेवल स्तर पर ग्राम पंचायत पर छोटे छोटे बाबू दबा देते हैं, जैसे सरपंच दबा देता है। सार्वजनिक सड़क को निर्माण को मामला देखा मन तो साहब कई दिन होगा, देखो बहुत दिन होगा, एक बार आगे साहब अमित जी डॉक्टर अमित साहब जिला कलेक्टर तब से आ रहा हूँ, रोड पड़वाबा के लिए, रोड गिरवाबा के लिए, वो मतलब अभी अधूरी रोड है, सिर्फ 500 मीटर बचे रही है ग्रेवल रोड, 500 काम बड़ा आता था, गहरा गड्ढा हो रहे हैं, मतलब अभी के लिए आया हूँ 4 जुलाई में, पहले ग्राम से हाँ भयंकर गर्मी पड़ी जी निकले हर आदमी, अरे बहुत आदमी है, अरे आस ले रहे हैं हाँ मत साहब, आप कलेक्टर साहब ने अभी की मैं तो मेरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मतलब मेडल भी वापस लौटाऊंगा सरकार को, दिखा हाँ मिल अब तो है नहीं है, लेकिन घर पर दिखा, मतलब शांति का मां काम करूं, मेरा कई आदमी भाई मतलब युद्ध क्षेत्र में मतलब बहुत मेडल एड आई, बागीर सिंह खराटे कई बार चुनाव लड़ चुके, 56 चुनाव जो राष्ट्रपति है उपराष्ट्रपति है राज्यसभा का ही, और मतलब 6-7 बार तो ये इसके चुनाव लड़ लिए लोकसभा के सीकर से ही साहब, हाँ मैं बागीर सिंह खराटे अब की बार नहीं, अमरा राम को सपोर्टेड, हाँ बिल्कुल सही है, सही मेडल के चीज का मिलेगा, मेडल तो मतलब समाज में वर्किंग करता हूँ साहब, ये बात शांति का कार्य कर रहा हूँ, शांति स्थापित कर रहा हूँ, हाँ बिल्कुल शांति, कौन संस्था दी, मन भारत सरकार भी दी है, राज्य सरकार भी दी है, इनामा भी दिए, दी पड़े अमेरिकन मेडल, देखो झूठी नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर जो, थारो प्यार चैनल के ऊपर बनाए रख जो, और कमेंट बॉक्स के अंदर बता दो जासी जो जन सुनवाई हुआ है, बाकी समाज के लिए कत्ती जरूरी है, शहर के लिए कत्ती जरूरी है, और लोगों के लिए कत्ती आसानी हुआ, आपकी बात कलेक्टर तक पहुंचा पा के अंदर बात के इम्पैक्ट आके जन सुनवाई को पड़ा है व्यवस्था के ऊपर भी के अंदर, थारो कमेंट बॉक्स के अंदर ओपिनियन थे मन जरूर बता दो, वीडियो शेयर कर जो।